बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद विकास और आप देख रहे हैं अपना चैनल मेडिसिन इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं, इसका नाम है फैमिलर 28F टैबलेट। दोस्तों, इसमें जो दो साल्ट पाए जाते हैं, लिगोनोरजिस्ट्राइल एंड इथाइल एस्ट्राडॉयल। दोस्तों, ये दो इसमें साल्ट पाए जाते हैं। इसमें एक पत्ता 28 गोलियां, जब 28 गोलियों का होता है, जो कि तीन पत्ते पाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गोलियों का इस्तेमाल। सफ़ेद गोलियों को हर नागे के साथ थमर के अमकान ज़्यादा हो सकते हैं। फैमिला 28F का इस्तेमाल शुरू करने के कबल अपने मखसूस अयाम हैज़ का इंतज़ार करें। इसके दौरान आप कोई और माने अमल तरीका इस्तेमाल नहीं अपना सकते। अपने मखसूस अयाम के पहले दिन पहली सफ़ेद गोली खाएं, जो कि तीर के निशान के बिलमकाबल इस तरह बने हुए हैं। आप तीर के निशान के मुताबिक आगे बढ़ते बढ़ते जाएं और हर दिन एक सफ़ेद गोली खाएं, यहाँ तक कि सफ़ेद गोलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब भूरे रंग की गोलियाँ रोज़ाना खाएं। याद रहे, गोलियों में किसी दिन भी नागा ना हो। गोलियों का इस्तेमाल एक मुकर्रर वक्त पर करें। बेहतर होगा अगर आपको खाने के बाद सोने से कबल एक आपको याद आने में मददगार साबित होगा। जब आपने पहले पैकेट की आखिरी भूरे रंग की गोली खा चुके, तो फिर फैमिला 28F का नया पैकेट शुरू करें और एक एक गोली करके रोज़ाना 21 दिन तक, उसके बाद 7 दिन तक भूरे रंग की गोली खाएं, बगैर नागे के रोज़ाना खाती रहें। अगर आपके मखसूस अयाम हैज़ ख़त्म ना हो, तब भी आप गोली खाते रहें। मुतवक्का तब्दीलियाँ। आपको मामूली बे आराम हो सकती है, मसलन मैदे में तकलीफ़ या मामूली सा खून का दबा हैज़। अगर ऐसा हो तो आप गोलियों का इस्तेमाल जारी रखें, कुछ अरसे में असर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर मसलसल खून आ रहा हो या कोई तकलीफ़ महसूस हो रही हो, तो आप उस सूरत में अपने मालिक डॉक्टर से मशवरा करें। आपके मखसूस अयाम इन दिनों में होंगे जब आप भूरे रंग की गोलियां खा रही होंगी। अगर हैज़ में कमी ज़्यादती हो तो परेशान ना हो। इस बात का बहुत ही कम अम्कान है कि फार्मूला 28F के एक कोर्स के बाद आपको माहवारी ना हो। अगर आपने हदायत के मुताबिक गोलियां इस्तेमाल की हैं, तो आपका इस्तेमाल जारी रहेगा। अगर आपने गोलियां हदायत के मुताबिक नहीं खाई, एक या ज़्यादा गोलियां खाना भूल गए हैं, या फिर एक दिन बाद खाना शुरू की हैं, अगर या मुसलसल दो माहवारियां ना हो जब आपने गोलियां हदायत के मुताबिक खाई हों, तो अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि गोलियाँ जारी रखने के कबल हमल के अमकान का मुस्तरद किया जाना ज़रूरी है। इस दौरान कोई माने हमल तरीका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर आप गोली का ना भूल जाएं, तो मुकर्रर वक्त पर गोली का ना भूल जाएं, तो आप जिस वक्त याद आए फौरन खा लें। अगर आप गोलियां खाना भूल जाएं और पूरा दिन गुजर जाए, तो अगले रोज़ जिस वक्त भी याद आए गुज़िश्ता दिन की गोली खा लें। अलावा इस गोली को जो आपकी है मुकर्रर वक्त पर खा लें, जिसका मतलब ये हुआ आप दिन को दो गोलियां खानी है। इसके बाद अपने मामूल के मुताबिक जारी रखें। अगर आप मुसलसल दो गोलियां खाना भूल जाएं, तो अगले रोज़ आप दो गोलियां और फिर अगले रोज़ भी दो गोलियां खाएं। इसके बाद हसब मामूल गोलियां खाते रहें, यहां तक कि आपका पैकेट ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसके दौरान आपने एहतियात क्या करनी है? अगर आपने एक या दो गोलियाँ सफ़ेद गोलियाँ छूट गई हैं, या आपने माहवारी के पहले दिन के बजाय बाद में शुरू किए हैं, तो आप मनसूबा बंदी के दूसरे तरीका भी साथ साथ इस्तेमाल करें। यहाँ तक आपको मुसलसल 7 दिन गोलियाँ खानी होती हैं। अगर आप सफ़ेद गोलियाँ खाना भूल गए हैं, या इसके पैकेट के अंदर 7 से कम सफ़ेद गोलियाँ रह गई हैं, तो आप इस पैकेट को फेंक दें। फैमिला के नए पैकेट की पहली गोली से शुरू करें, इसके हदायत के मुताबिक जारी रखें। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आपका ये पैकेट ख़त्म नहीं होता, आप माहवारी यानी कि हैज़ नहीं होगी, लेकिन आप इससे आपको परेशान नहीं होना या ना ही आपको नुकसान पहुंचेगा। और आपने 3 या ज़्यादा सफ़ेद गोलियां खाना भूल जाएं, तो याद आने पर गोलियां खाना शुरू ना करें, बल्कि बाकी पैकेट फेंक दें और फैमिला 28F का नया पैकेट शुरू करें। इस अर्थ जितने दिन आपने सफ़ेद गोलियाँ नहीं खाई, और जब तक आपको नए पैकेट से सफ़ेद गोलियाँ खाते 7 दिन ना हो जाए, आप मनसूबाबंदी के दूसरे तरीके इस्तेमाल करें। जब तक आपका नया पैकेट ख़त्म ना हो जाए, माहवारी नहीं होगी, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मुसलसल दो मरतबा माहवारी ना हो, तो आप डॉक्टर से रजू करें। अगर आप 7 में से कोई भूरे रंग की गोली खाना भूल जाएं, तो उस दिन की गोली फेंक दें, उसको दूसरे दिन खाने की ज़रूरत नहीं है। भूरे रंग की गोली ख़त्म हो जाने के बाद अगले दिन
से नया पैकेट सफ़ेद गोले से शुरू करें। इसमें अहम बात, अगर किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा कै या इसाल की शिकायत है तो फेमिला 28F दीगर दवाओं की तरह मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में आप मनसूबाबंदी के दूसरे तरीके इस्तेमाल करें जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। मुसलसल 7 रोज़ तक सफ़ेद गोलियाँ इस्तेमाल ना करें। फेमिला की दी गई अदयात आप दूसरे मान्य अमल अदयात के इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इनको अपने डॉक्टर से ज़रूर रजा करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।